पर चलता है, उतने भोगते रहते हैं। ऐसे भी हम लोग आराम जैसे बात करते हैं तो हम लोगों का ये होता, कहीं अगर मान लीजिए हम लखनऊ जा रहे हैं, अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं भाई, तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम रची की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे भौंकते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं, तो अब जो उनका स्वभाव होता है वो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। लेकिन हमारा लोगों का ऐसा स्वभाव नहीं है, जो चीज़ जब सामने आती है और सामने आने की जब हिम्मत जुटा पाएंगे तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को मैं पूरा पूरा जवाब देता हूँ। लेकिन आपके भरोसे से, आपके विश्वास से, आपने जो मुझे ताकत दी है, मुझे बहुत आत्मविश्वास आया है और मैं यही कहूँगा कि आप इसी तरह से हमको ताकत देते रहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको निराश नहीं होने देगी, हताश नहीं होने देगी। आप सबकी ताकत के बल पर, चाहे जितने राकेट टिकैत जितने हमें, मैं क्योंकि मैं राकेट टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, दो कौड़ी का आदमी है, इसका हम लोगों ने देखा है कि अपने दो बार चुनाव लड़ा, दो बार दोबारा जब हो गई, इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ, इस तरह के लोगों का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं होता है। लेकिन अब उनका, इसी से उनकी राजनीति चलती है, इसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो वो अपना चलाएं, समय आने पर जवाब दिया जाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया, जो दुनिया की कोई भी ताकत, मैं सही के लिए लड़ रहा हूँ, गलत मैंने कोई किया नहीं है आज तक। एक नए पैसे की 100 में लोग कहते हैं चलो 1% गलती होगी, हमारी 0.0111% भी कोई दिखा दे गलती, मैंने ऐसा जीवन में कभी नहीं किया है। और इसलिए मैं लड़ता हूँ मन से, और सत्य कभी हारता नहीं। आपकी ताकत जब साथ में हो तो सोने पर सुहागा होता है। बहुत लोग मुझसे पूछते रहते कि आप भैया, जैसे कई पत्रकार भी अपने यहाँ भी है, बेवकूफ़ पत्रकार भी है जो इस तरह की बातें करते रहते हैं, तो इस तरह से वो, उनका पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं, लेकिन ऐसी उल्टी सीधी बातें करके भ्रम पैदा करने की। ठीक है, 7 बजे के द्वारा जो है कुछ गपशप करेंगे। अरे आदमी को भाई गुस्सा था भाई, उसका लड़का 1 साल ने जेल में बंद है, उनके घर में भी राड हो रही के इन्हीं बयानों के कारण लड़का जेल में बंद है। 50,000 आदमी अभी 3 दिन लखीमपुर खीरी में रहे। अजय टैनी का ही नाम प्रमुखता से रहा, 120B का मुलजिम है। अच्छा, किसी को बोलना खासन तो दोगे? देश में बोलने की तो आज़ादी है। और जो उनके भाव है, जो जिस नस्ल का होता है वो जबान से वही तो बात बोल लगा भाई, उसी भाषा में वो कहेगा तो हमारा कोई स्टैंड नहीं है। इन पर अगर 92 पर हम स्टैंड लेने लगे तो हम तो रोज सड़कों पर ही रहेंगे। हमारे अपने स्टैंड है, हम उन्हीं की ज़मीन पे 50,000 आदमी 3 दिन तक वहाँ पर रहे और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहे। हमने अपना परिचय दिया, हम तो शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले लोग हैं। इस तरह के लोग गलत बयानबाजी करके आपस में झगड़े करवाते हैं। पहले भी उन्होंने बयानबाजी गलत करी तो अपने घर का भी इलाज करते हैं ये। अपना लड़का फंसवा दिया, उसे सहारा देके और कहा कि जाओ भीड़ पर गाड़ी चढ़ा दो, तो उसका लड़का भी तो इन्हीं केस में बंद है। तो जो अपने घर के ही नहीं है तो दूसरों के क्या हो सकते हैं? तो ख़राब आदमी के खिलाफ हमने तो पहले भी कहा कि जो गलत आदमी हो उससे 21 फीट की दूरी से चलना चाहिए, तो हम तो गलत आदमी के नज़दीक भी नहीं जाते हैं। ठीक है सर, अजय मिश्रा टेनी के बर्खास्त के लिए लगातार जो है ऑपरेशन हुए, लेकिन अभी तक कुछ भाई नहीं हुआ। हम तो अपनी बात कहते रहेंगे, ना करना तो सरकार का काम है, जिस पार्टी में वो शामिल है उसका काम है। लेकिन हम अपनी बात पूरे देश भर में जहाँ पे भी अब आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन जाएगा तो लखीमपुर खीरी का नाम उसमें जाएगा। तो आगे भी प्रदर्शन, प्रदर्शन तो होंगे जब तक ये नहीं हटेगा। मुलजिम बाहर रहेगा और ख़तरनाक मुलजिम बाहर रहेगा तो वो कभी भी हरकत कर सकता है।